हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपकी वर्कशीट 2 का है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो चल रहा है करंट हमारा, उसी का क्वेश्चन नंबर 17 है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, ए मनी बॉक्स कंटेन 1 रुपी एंड 2 रुपीज़ क्वाइन इन द रेशियो 5:6। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द क्वाइन इन द मनी बॉक्स इज 85 रुपीज़, फाइंड द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ क्वाइन। यहाँ पे तो क्या हमें 2 रुपीज़ क्वाइन का नंबर पूछ रहा है, और जब भी रेशियो में दिया रहे, यहाँ पे देखिए क्या रेशियो में दिया रहे तो, और किसका किसका 1 रुपी क्वाइन और 2 रुपी क्वाइन का रेशियो दिया है। तो मान लेते हैं लेट द 1 रुपी क्वाइंस रेशियो लेट द 1 रुपी क्वाइंस इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 5x। लेट द नंबर ऑफ, यहाँ पे कर सकते हैं हम लेट द नंबर ऑफ 1 रुपी क्वाइन इक्वल टू 5x एंड नंबर ऑफ टू रुपी क्वाइंस भी 6x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5:6 का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 रुपी क्वाइन का रेशियो 5 और 2 रुपी क्वाइन के बीच का रेशियो कितना है 1:6 है, 5:6 है। तो 1 रुपी क्वाइन का रेशियो है और 2 रुपी क्वाइन का रेशियो दिया 5:6, तो नंबर ऑफ कॉइन की बात करें 1 रुपी कितने क्वाइन है तो 5x हो जाएंगे, और नंबर ऑफ 2 रुपी क्वाइन कितने हो जाएंगे 6x हो जाएंगे। ठीक है, तो 5x और 6x हमारे इस तरीके से दो 1 रुपी की कॉइन और 2 रुपी के कॉइन हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉइन जब दिया है तो पूछ रहा टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन इन द मनी बॉक्स 85 रुपीज़ दिया है ना। अब हमें अगर हम कहें कि 1 रुपीज़ की हमारे पास 2 कॉइन हैं, तो एक्चुअल में रुपए कितने हैं ये बताइए, हाउ मच रुपीज़ ऐसे है। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 रुपए के अगर आपके पास 2 कॉइन है, तो इसका मतलब 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई करें कितना 2 रुपया हमारे पास टोटल है। ठीक है, अगर हमने कहा कि 5 रुपीज़ के हमारे पास कितने हैं 5 कॉइन है, तो हमारे पास कितने रुपए हुए, तो आप क्या करोगे कॉइन को और कितने रुपए का कॉइन है उससे जब मल्टीप्लाई करते हो तो कितना 25 आता है, और 25 रुपीज़ आपके पास हैं। तो दैट मीन्स आप यहाँ पे ये चीज़ समझ गए कि कभी भी जब नंबर आप आपके पास रुपीज़ कॉइन दिया रहे, ठीक है, जब भी हमारे पास जैसे यहाँ पे कितना दिया है 1 रुपी का कॉइन कितना दिया है 5x है, तो हम बोलें कि कितना एक्चुअल में वैल्यू कितना है, उस कॉइन की वैल्यू कितनी है, तब 1 का मल्टीप्लाई इसमें 5x भी करेंगे। ठीक है, तो वही करना वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 × 5x, दिस इज इक्वल टू 5x। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि 1 रुपये के जितने कॉइन हैं, ठीक है, अगर उसकी हम रुपीज़ में पूछें कि कितना रुपया उसका हुआ, तो आपको क्या करना है 1 रुपीज़ का मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से आपके पास कितने जो वैल्यू है उस कॉइन की कितनी रुपये हो गया 5x रुपीज़ हो गया। ठीक है, अब वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं कि वैल्यू ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपी कॉइन का वैल्यू कितना होगा, जो कि 2 रुपये का कॉइन है और टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने 6x है, तो हमको मल्टीप्लाई करना है 2 × 6x। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 12x। 2 रुपये का मल्टीप्लाई हम 6x में कर दिए, जो कि 2 रुपये का हमारे पास कितने कॉइन है 6x कॉइन है, और बोले कि आपके पास रुपये कितने हैं, तो क्या करना है आपको जितने रुपए का कॉइन होता है उतने रुपए का मल्टीप्लाई करना होता है, उसी तरीके से यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया टोटल रुपया, 1 रुपीज़ कॉइन की बात करें तो टोटल रुपया हमारा 5x रुपीज़ हो गया, और 2 रुपीज़ कॉइन को अगर हम रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास कितना हो गया 12x रुपीज़ हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बोला जा रहा है कि मनी बॉक्स, अगर हम बोलें इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन इन द मनी बॉक्स इज 85 रुपीज़, हमारे पास जो है जो मनी बॉक्स है उसमें टोटल जो वैल्यू है कॉइन की कितना है हमारे पास 85 है, तो यहाँ पे कर लें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन कितना हो गया हमारा 5x प्लस 12x इक्वल टू 85, क्लियर।
अब 5x और 12x कितना हो जाएगा, 17x, 17x बराबर 85, और x बराबर कितना हो गया हमारा 85 बाई 17, 17 फाइव से कितना 85 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे देखो 1 रुपीज़ के कॉइन कितने आ गए, 5 × 5 करेंगे 25, और 2 रुपीज़ कितने कॉइन हो जाएंगे हमारा, 5 × 6 30, तो 30 कॉइन्स हमारे पास 2 रुपीज़ के आ गए। तो आपका जो करेक्ट आंसर हुआ कितना हुआ, 30 कॉइन्स, ये कितना है, 2 रुपीज़ का कॉइन है, ठीक है। 2 रुपीज़ कितने कॉइन हुए, 30 कॉइन्स, ओके। तो इस तरीके से आपको करना है।